सबसे पहले तो हम एक दिव्य दरबार में हैं, माँ विंध्यवासिनी के दरबार में हैं, जहाँ जिस धरती पे, इस पावन पवित्र धरती पे साक्षात माता रानी अपने अलौकिक रूप में विराजमान हैं। और ये यहाँ पे काफ़ी मतलब हर्षोल्लास के साथ मैं आया हूँ, और ये पावन पवित्र धरती मुझे यहाँ तक खींच के लाई है। तो सबसे पहले इस धरती को प्रणाम, साथ ही साथ माता को प्रणाम। मेरे जितने भी श्रोता, चाचा भैया, माता बहन, बड़ बुजुर्ग, जितना भी लोग हमके देख रहा बा, सबको सादर प्रणाम। ये हमारी तीसरी फिल्म है और ये हमारे निर्माता घनश्याम श्रीवास्तव जी हैं, बड़े भैया संजीत सिंह जी डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर हमारे विक्रम सिंह सर जी हैं। विक्रम सर आज, और इस यूनिट में, इस फिल्म में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबका तो नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन सबको प्रणाम और बहुत सारी बधाई है। और घनश्याम सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चुना, मुझे फाइनेंस कर रहे हैं। आप लोग खूब खूब प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। घनश्याम जी, क्या कहना चाहें हरभजन की आज शुरुआत हम विंध्यवासिनी जी के धाम में? जी, क्या बोलूं, अच्छा लग रहा है कि आज हमारी ये दूसरी फिल्म है हारमोनियम, और हीरो हमारे विजय चौहान जी हैं। पहली बार इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और डायरेक्टर संजीत कुमार सिंह, इनके साथ भी मेरी पहली फिल्म है। और चाहते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने, और बहुत अच्छे से हम लोग की आज शुरुआत भी हो रही है माँ विंध्यवासिनी के स्थान पे, तो चाहेंगे कि बहुत अच्छा यूनिट रहे हमारा और सब लोग अच्छे से काम करें। ये कंसेप्ट कैसे प्लान हुआ कि ये फिल्म बननी चाहिए? ये विजय जी को देखते हुए, सुनते हुए पता चला कि हाँ, बहुत ये दिन पहले से राइटर भी हैं और कंसेप्ट ये लिख के म्यूजिशियन रखा भी हुआ हैं। था, तो शायद शकील नियाजी जी का लिखा हुआ संजीत था। जी ने बोला कि ये कॉन्सेप्ट इनके ऊपर ज़्यादा फिट बैठेगा, तो हमने कहा चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो विजय जी, इसमें कितना रूप आपको देखने मिलेगा? हारमोनियम क्या सर? और आपका जो तालमेल दिखा, हारमोनियम टाइटल है, आपकी जो ईश्वर और माँ सरस्वती कृपा आप पे है, तो वो कितना तालमेल दिखना पड़ेगा आपका, और हारमोनियम कितना तालमेल दिखेगा? अब देखिए, हम तो पेशे से एक गायक कलाकार हैं, एक गीतकार हैं, एक रिकॉर्डिस्ट भी हैं, मतलब चारों तरफ से संगीत से घिरा हुआ व्यक्ति हूँ। वो हारमोनियम से तो मेरा बचपन का ही रिलेशन रहा है, और इस फिल्म में भी बहुत बड़ा रिलेशन रहेगा मेरा हारमोनियम से। आपका संघर्ष कहीं आपसे जीवन से जुड़ा हुआ है फिल्म की कहानी तो नहीं है? नहीं, जहाँ तक हमने पढ़ा है हमारे जीवन से जुड़ी हुई कहानी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कुछ सीन ऐसे हैं जिस सीनों से हम जूझे जूझे हुए हैं रियल लाइफ में भी। डायरेक्टर साहब की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे केमिस्ट्री रहने वाली उनके साथ, ही तीसरी हैट्रिक कह सकते हैं तीसरी फिल्म में आपके? संजीत भैया को तो सबसे पहले मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा। एक नए बच्चे को इन्होंने चुना और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। इनके साथ पहली फिल्म हमारी साजिश थी, उसके सेट पे जब हम पहुंचे थे तो जितने भी यूनिट के लोग थे, संजीत भैया थे, अनारा गुप्ता जी थी, जितने भी उस यूनिट के लोग थे, सबने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, सबके साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग हुआ मेरा कि हम लोग लगातार उसी के 1 महीने के बाद हम लोग दुल्हन मेरे हस्बैंड की, वो सिनेमा की है, फिर अब संजीत भैया से इतना बड़ा तालमेल हमारा हो गया है कि हम लोग लगातार बहुत सारी सिनेमा करेंगे। अभी हारमोनियम पे नंबर है हमारा। क्या आपने प्लान किया है अपने करियर को लेकर के?
अब देखिए, अब हम भोजपुरी में बोलता नहीं सीधे सीधे। हम एगो बहुत छोट परिवार के छोट बच्चा हैं, बहुत बचपन से ही बहुत तरह के कष्ट आयल जीवन में, बहुत सारा कहानी लंबा लंबा ना बता सकीले। तो केहू भी कोनो भी भोजपुरी कलाकार बाड़े, चाहे हमनी के को छोटा सा इंडस्ट्री बा, किसी भी कलाकार को उठा के देख लीजिए, हीरो बनना सपना सबका होता है। और मेरे जनता ने, मेरे श्रोता ने, मेरे भैया लोगों ने, मेरे निर्माता निर्देशक लोगों ने, मेरी कंपनियों ने मुझे इतना प्यार दिया, उससे पहले सबका धन्यवाद देना मैं चाहता हूँ। और हमेशा ऋणी रहूँगा इस चीज़ का कि एक छोटे बच्चे को आप लोग हीरो के रूप में देख रहे हैं। तो हम खूब मेहनत करें, खूब मन लगा के काम करें, अपन दिन रात एक कर दें, कहें कि जौन गैले बनी तोनों के रुआ लोग बहुत पसंद कैले बनी, जौन लिखले बनी तोनों के रुआ लोग बहुत पसंद कैले बनी, जौन रिकॉर्डिंग कैले बनी तोनों के रुआ लोग बहुत पसंद कैले बनी, जौन बोलले बनी तोनों के रुआ लोग बहुत पसंद कैले बनी। अब हमार एगो नया पावदान शुरू होके जा रहा बा, अभी पहला सीढ़ी कदम रखले बनी, बहुत सीढ़ी पार करके हम जाए के पड़ी, बहुत कष्ट भी आई, सब झेले खातिर हम तैयार बनी। आ खूब मेहनत करें, खूब बढ़िया से काम करें। काजल यादव जी हैं। कैसे केमिस्ट्री रहा है, रोमांस का तड़का कैसे लगी? अभी तक तो हम जीवन में कभी मिले नहीं उनसे, लेकिन सीनियर आर्टिस्ट हैं वो, उनका कदर करते हैं और हम आशा रखेंगे कि बहुत बहुत अच्छे से काम करेंगे हम लोग। सीनियर आर्टिस्ट हैं आप, जूनियर अपने आप को मान रहे हैं, तो रोमांस का तड़का कैसे भी आप इमोशनल हो जाइएगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रोमांस तो रग रग में भरल रहा, खूब बढ़िया से। तो कितना सोचा है सर काजल जी के साथ उनका रोमांस का तड़का लगाने के लिए? अब अगर हारमोनिया कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो रोमांस एक अलग हटके, एक हटके अलग रोमांस है, और वो एक हारमोनिया से रिलेटिव ही है कि एक लड़के, एक जैसे मैंने आपको बताया कि एक बाप का सपना, एक पिताजी का सपना होता है, तो उससे रिलेटेड है, और वो एक अलग हट के हमने क्रिएट किया उसको, और कोशिश करेंगे कि एक अलग हमारे जनता, हमारी भोजपुरी समाज को एक अलग चीज़ देखने को रोमांस में भी मिले। जी मैं भैया से पिछले साल मिला था, और भैया के ये हमारी दूसरी सिनेमा, भैया की दूसरी सिनेमा है आई सेड इंटरटेनमेंट से। पहले इन्होंने, भैया ने एक सिनेमा बनाया था आई इश्क छलावा, उसके बाद से कोरोना लग गया, उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ों को देखते हुए फिर हमने, भैया ने बोला कि तैयार कर संजीत, देख तैयार कॉन्सेप्ट करो, फिर हमारा हारमोनिया पे हमारी पहले से ही चल रही थी, हमारे राइटर हैं शकील नियाजी जी, उनसे और हमारी पहले से ही कुछ कॉन्सेप्ट पे तैयार चल रहा था काम, तो भैया मिले, फिर हमने ऐसी प्लान किया और प्लान करके फिर हमने तैयारी चालू की। तो बस अच्छा, अभी तक तो सब अच्छा है और आगे भी अच्छा होगा, और हमारा प्लान है कि इस साल में अच्छे से अच्छे बैक टू बैक सिनेमा का, ढेर सिनेमा का ही हमनी के साथ में एकदम लगातार कही। बोले बोला यहाँ के, अब बतलाइए दिले बनी कि यहाँ क्या हमारे रिलेशन मामा भगना के बाद फिल्म ना इसे रियलो में रियल हो गेल रियल हमनी में रिश्ता बन गेल बा मामा भगना के, मामा भाव से भगना, भाव से भगवान होला। और हमें इससे पहले जो पिक्चर किए थे उसमें भी हमारा इनका अच्छा खेल था, इसमें अच्छा हमारा इनका खेल है। यहाँ के काफी हद तक हमरा के सिखावे नहीं, अब बहुत अच्छा लागेला हर कदम पे, विजय ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा हमें हमरा बहुत अच्छा लागेला। यहाँ के रियल लाइफ में भी मामा के किरदार निभावे नहीं, आ सिनेमा में तो बढ़ले बावे। कौन मामा? चलिए रमेश जी, ये फिल्म में आप कैसे, कौन रोल में नजर आए? देखिए इसके लिए तो आपको सिनेमा देखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ इतना जरूर बताऊंगा, हम इनके साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो मामा भागने वाला खेल हमेशा हर फिल्मों में चलेगा। और संजीत ने ऐसा गढ़ा है आपकी मुझको, ऐसा गढ़ा है, और जैसा हूँ मैं शायद वैसा ही नजर आने वाला हूँ सिनेमा में। तो हाँ, तो
इनका साथ है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, उससे ज़्यादा कहीं बेहतरीन इंसान है। और माँ सरस्वती इनकी लेखनी बिराती हैं, माँ विंध्यवासिनी इनके ऊपर हमेशा कृपा करें, और इसीलिए ये मुहूर्त हमने विंध्याचल में किया है। तो आप लोग से यही है कि आप लोग इसी तरह सहयोग प्यार इनके ऊपर बनाए रखें, हमारे डायरेक्टर महोदय संजीव जी पे बनाए रखें, हमारे मित्र घनश्याम श्रीवास्तव जी हैं जो प्रोड्यूसर हैं, और इनके ऊपर माँ विंध्यवासिनी कृपा बनाए रखें, और ये जो जोड़ी है हम लोग का जो टीम है हमेशा आगे बढ़ता रहे। देखिए मिट्टी की महक परंपरा वो निभा रहे हैं, और ये शायद महेंद्र मिसिर और भिखारी ठाकुर को पढ़ के आए हैं, तो शायद वो मिट्टी की महक इनके पास है, और जो पढ़ के सीख के और जो अपनी संस्कृति को संभालता है वो ऐसा चीज लिखेगा कि जो दुनिया में महके, और इनकी लेखनी में वो खुशबू है कि जो समाज को अपने वश में करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, और मोहब्बत इनकी है कि ये सबको वो प्रसाद देते रहते हैं प्यार का अपने। तो ये भी आप कोई हिट गाना दो लाइन सुना दे, एकदम देसी अंदाज़ लिखल की गावल, लिखल गावल दोनों गा दे। जो हमारे गाना आई रहे पगला पगली, बहुत प्यास ने मिलो जे पगली मिल के रोवे ले बिछड़ के केतना रोई रे, जे पगली मिल के रोवे ले बिछड़ के केतना रोई रे, याद अइबे करी पछताइबे करी, याद अइबे करी पछताइबे करी, लोजावा से तकिया भिगोई रे, जे पगला मिलके रोवेला बिछड़ के केतना रोई रे।